तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल अरके तो स्टडी ग्रुप में। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं भी रहे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को दे सके। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सबको एक काफ़ी अच्छा गुड न्यूज है जो कि इंडियन नेवी की तरफ से निकल कर आ रही है। फ्रेंड्स, आप सबको इससे पहले इंडियन नेवी MR की तरफ से जो वैकेंसी निकल कर आई हुई थी उसका ऑनलाइन अप्लाई डेट खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप सबके बीच इंडियन नेवी की तरफ से यदि आप लोग म्यूजिशियन का सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो कि फ्रेंड्स, आप लोग यदि म्यूजिशियन सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं तो आप लोगों का डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, बता दें कि यहाँ पे आप लोगों का अप्लाई डेट 2/8/2021 से शुरू होने वाला है। यदि आप लोगों के पास म्यूजिशियन का सर्टिफिकेट है और आप यदि इसके लिए एलिजिबल हैं तो फ्रेंड्स इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबको हम बताते हैं डिटेल्स में कि इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हम यहाँ पे डिटेल्स में बताने वाले हैं जो कि इंडियन नेवी की तरफ से जो वैकेंसी म्यूजिशियन की जो निकल कर आई हुई है उसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल्स से बताने वाले हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, इसकी एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या कराया जाएगा, इसमें किस का सर्टिफिकेट लगेगा। तो दोस्तों, हम आप लोग को इसमें डिटेल्स से बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आप लोग को यहाँ पे दिखा दें कि यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन मेरिट मेल। तो फ्रेंड्स, आप सबको यहाँ पे हम बता दें कि केवल मेल के लिए जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है जो इंडियन नेवी की तरफ से जो म्यूजिशियन की, केवल यहाँ पे मेल ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बता दें कि ऑन मेरिट भी दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरिट वालों के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, केवल ऑन मेरिट और मेल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे दे रखे ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम ऑन मेरिट। तो दोस्तों यहाँ पे ऑन मेरिट के लिए जो वैकेंसी निकल कर आई हुई टोटल वैकेंसी की हम बात कर ले दोस्तों तो 33 है। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोग को इंडियन नेवी जो है शॉर्टलिस्ट तैयार करेगी और यहाँ से आप लोग को 300 कैंडिडेट को बुलाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रखा है कैंडिडेट मोस्ट हैव पासड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, यदि आप लोग 10वीं पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आप लोगों का सर्टिफिकेट लगने वाला है, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं विस्तार से। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पर बने रहें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एज क्राइटेरिया की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जन्म तिथि 1 अक्टूबर 1996 से 30 सितंबर 2004 के बीच हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, नहीं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस एज के अंडर में, यदि आप लोगों का एज नहीं आ रहा होगा तो। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोगों का इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे म्यूजिकली एबिलिटी आप लोगों की क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफेंसेंसी इन एरबल एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक विद एक्यूरेसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे प्रिपेयर पीस साइट रीडिंग ऑन इंडियन क्लासिकल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों का जो सर्टिफिकेट लगने वाला है दोस्तों, तो आप लोगों का यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है फ्रेंड्स कि आप लोगों का यहाँ पे जो लगने वाला है दोस्तों सर्टिफिकेट, आप लोगों का यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है प्रोफेंसी इन टर्निंग ऑफ इंस्ट्रक्टर मैचिंग ऑन टू नोट्स विथ इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर्ड पीस साइड रीडिंग ऑफ इंडियन क्लासिकल। आप लोग इंडियन क्लासिकल से होनी चाहिए सर्टिफिकेट। यहाँ पे टेबलेटर स्टाफ नेशनल लेवल पर भी आप लोग का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, परफॉर्मेंस ऑफ स्किल रिगार्ड टाला एंड बेसिक थ्योरी ऑफ इंडियन और इंटरनेशनल म्यूजिक। दोस्तों, आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होने चाहिए इंडियन और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट लेवल पे होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन विच प्रोफेशनसी रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट लगने वाला है किस किस चीज़ का आप लोगों का सर्टिफिकेट लगेगा और एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप लोग का जॉज ड्रम्स, बास ड्रम्स, स्नार ड्रम्स, साइड ड्रम्स, साइम्बल्स, नॉन क्रोमिक ड्रम्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसमें से कोई भी एक यदि आप लोग कर चुके हैं और आप लोग का फ्रेंड्स यहाँ पे सर्टिफिकेट से ही नहीं चलने वाला है फ्रेंड्स, वहाँ पे आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे आप लोग का केवल सर्टिफिकेट से यहाँ पे मतलब नहीं है, आप लोग का वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। यदि आप लोग का साइड ड्रम्स, सेंस ड्रम्स, बेस ड्रम आप लोग का आता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
नहीं तो दोस्तों कितने होते हैं कि वो सर्टिफिकेट बना लेते हैं बट उन लोगों का एक्सपीरियंस होता नहीं है, वो चले जाते हैं वहाँ से बाहर, उन लोगों को कर दिया जाता है। तो दोस्तों यदि आप लोग के पास इसका नॉलेज है तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को हम बता दें कि म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों को कहाँ से होना चाहिए। तो कैंडिडेट परफॉर्मेटिंग हिंदुस्तानी और कैटनाडिक क्लासिकल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को हिंदुस्तानी और कैटनाडिक क्लासिकल से म्यूजिक से आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैंड स्टोनमेंट विल रिक्वायर्ड, दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का लंदन और रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक से होनी चाहिए या लंदन विल बी मैंडेटरी कैंडिडेट्स परमोटिंग वेस्टर्न, ठीक है दोस्तों। यहाँ से नेशनल लेवल भी आप लोगों का सर्टिफिकेट हो तो यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे दे रखा फ्रेंड्स अदर कैंडिडेट, ये नहीं कि यदि आप लोग हिंदुस्तानी से नहीं है तो आप लोग हिंदुस्तानी और कैटनाडिक क्लासिक से आप लोग का सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। आप लोग अदर भी, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि अदर कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिटेड सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी क्वेक्शन अवार्ड्स, जैसे आप लोग का दोस्तों कोई प्रतियोगिता में आप लोग भाग लेते हैं, जैसे कहीं प्रतियोगिता होता है तो वहाँ पर आप लोग को जो अवार्ड्स मिलते हैं ना वहाँ पर यदि आप लोग का सर्टिफिकेट मिला होगा और वो ऑलरेडी उस पर रजिस्ट्रेशन होगा और वो वेरीफाइड होगा तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है और आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों हम आप सबको बता दें कि आप लोग जहाँ से सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो आप लोग का नॉलेज भी होनी चाहिए, जहाँ से भी आप सर्टिफिकेट बनाएं तो ओरिजिनल बनाएं ना कि डुप्लीकेट। तो दोस्तों बता दें कि वहाँ पे जो इंडियन नेवी वाले होते हैं जब आप लोग उन वो जो टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, आप लोग निकल जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रेंड्स वहाँ पे आप लोग का ऑनलाइन कंप्यूटर जो सिस्टम होती है वहाँ पे वो लोग चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि वहाँ पे आप लोग का वेरीफाई हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग को वेरीफाई दिखा दिया सर्टिफिकेट तो आप लोग का सिलेक्शन पक्की है, वहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये नहीं कि आप लोग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा लें, आप लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाएँ क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे आप लोग का एग्जाम तो होने वाला है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो कितने स्टूडेंट होते हैं कि वो लोग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना करके चले जाते हैं बट वहाँ से उन लोग को बाहर कर दिए जाते हैं। बाहर ही नहीं, आप लोग के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है दोस्तों और वहाँ पे आप लोग का क्या बोलते हैं पिटाई भी पड़ सकती है। तो दोस्तों आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट लेजिए तो ओरिजिनल लेजिए और आप सबको एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें आप लोगों का पे एंड रिक्वायरिटीज की। तो फ्रेंड्स पे एंड अलाउंस की बात कर ले तो आप लोगों का ट्रेनिंग पीरियड में आप लोगों को 14,600 मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग यदि जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप लोग जब ज्वाइन कर जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों का 21,700 से लेकर 69,100 के बीच आप लोग को सैलरी मिलने वाली है जो कि काफ़ी अच्छा सैलरी है। यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एमएसपी की, मिलिट्री सर्विस पे जो होती है आप लोगों को 5,200 पर मंथ मिलने वाला है। इसके अलावा आप लोगों को बहुत सारे अलाउंसेस मिलती है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं प्रमोशन की, तो यदि आप लोग इसके थ्रू यदि भर्ती होते हैं इंडियन नेवी में म्यूजिशियन के थ्रू तो आप लोगों का प्रमोशन हो सकता है दोस्तों। यहाँ तक देखिए यहाँ पर रहता है 47,600 से लेकर के 151,100 के बीच, यानी आप लोग को फ्रेंड्स यहाँ पे मास्टर चीफ ऑफ पेटी ऑफिसर तक आप लोग का प्रमोशन मिल सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा आप लोग को अपॉर्चुनिटी है, यदि आप लोग म्यूजिशियन से ताल्लुक रखते हैं तो फ्रेंड्स इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें और अपना सफलता जरूर प्राप्त करें। तो दोस्तों आगे बात हम कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। यहाँ पे फ्रेंड्स बता दें कि ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एंड एक्सेशन इज बींग मेड इन द पब्लिक इंटरेस्टेड। फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर दें कि कोविड-19 के कारण जो है यहाँ पे जो 33 सीटें निकलकर इंडियन म्यूजिशियन की तरफ से जो निकलकर आ रही है तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा कोविड-19 के कारण, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे आप लोग का डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आप लोग को वहाँ पे उसी दिन आप लोग को PFT ले लिया जाएगा यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे आप लोग का उसी दिन PFT भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल का डेट देगा, उसके बाद आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को हम बता दें कि एक और चीज़ छूट रहा है कि इंडियन नेवी की तरफ से फ्रेंड्स आप लोगों का इंश्योरेंस कवर भी होती है जो कि 50,00,000 रुपये की होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा जॉब है, रॉयल जॉब है दोस्तों, आप लोग इसके लिए एलिजिबल है तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। यहाँ पर बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, तो आप लोग का इसमें फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट होने वाला है उसमें आप लोग को क्या करवाया जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर आप लोग को 7 मिनट में कंप्लीट करनी है और स्क्वाट आप लोग का यहाँ पे 20 लगानी है और 10 पुशअप लगानी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग को मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा जो कि चिल्का में होती है और मेडिकल के बाद आप लोग को फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप इसके लिए एलिजिबल है तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कुछ दे रखा है तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई आप लोग का फ्रेंड्स यहाँ पर 2 अगस्त
यहाँ पे, और यहाँ पे दे रखा है ऑनलाइन अप्लाई के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी समझा रखा है कि आप लोग www.joinindiannavy.com पे आप जाकर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्त यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल है तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। इसका स्टार्टिंग डेट 2 अगस्त से लेकर के आप लोग का 6 अगस्त के बीच आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल है तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग का कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।